Assalamualaikum grade 6. I hope you all are fine and you are taking care of yourself and your family, and I hope you are safe. Okay, grade 6. I'm your English teacher, and today we are going to attempt chapter number 2 from English book, right? So please take out your English books. I want you to go fast and take out your books and open your page number 9, right? This is unit number 2, insect inspect. Okay, I hope you have opened your books on this page. Now I'll read one by one each of the paragraph and explain it, and I have given meanings in the end of the video, so you can copy each and every meaning from there. Okay, insect inspect. There are insects everywhere, under the ground, in the air, and on plants and animals. The word insect means cut into sections. Insects have three sections: the head, the thorax, middle part, the abdomen, tummy. They have three pairs of legs. And many insects have two pair of wings. Insects also have antenna. Antenna are like feelers or detectors attached to the insect's head. Spiders have four pair of legs and are arachnids, not insects. This is the first paragraph of the chapter, right? And here, the word inspect means, insect inspect. Inspect means to have a check on, to study. Okay? So what we are studying in this? We are studying about the insects. Do you know what are insects? Insects are those chote kide makode. Okay? Those tiny, tiny animals which can fly or they have soft bodies. Those are called insects. Aapne bahut sare dekhe honge, aapke ghar mein bahut sare kide hote hain. राइट वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं थोड़े बहुत उड़ भी सकते हैं उन सबको क्या कहते हैं इंसेक्ट्स राइट ओके फर्स्ट पैराग्राफ देर आर इंसेक्ट्स एवरीवेयर हर जगह पर देर आर इंसेक्ट्स एवरीवेयर इंसेक्ट्स हर जगह पे होते हैं अंडर द ग्राउंड ग्राउंड क्या होता है जमीन अंडर नीचे जमीन के नीचे इन द एयर हवा में एंड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स पे भी होते हैं और एनिमल्स पे भी होते हैं यानी हर जगह होते हैं द वर्ड इंसेक्ट्स मीन्स कट इन टू सेक्शंस ये जो इंसेक्ट का जो वर्ड है ना इसका मतलब है कि सेक्शंस में काटना कट इन टू सेक्शंस आप देखो इसमें एक वर्ड है इन और दूसरा है सेक्ट्स तो वो जो सेक्ट्स है उसका मतलब है सेक्शंस राइट इंसेक्ट्स हैव थ्री सेक्शंस इंसेक्ट्स के पास तीन सेक्शंस होते हैं उनकी बॉडी में ठीक है वो तीन पार्ट क्या होते हैं द हेड द थॉरेक्स एब्डोमेन राइट हेड थॉरेक्स जो होता है ये मिडिल पार्ट होता है सबसे पहले हेड होता है इनका ठीक है थॉरेक्स जो होता है वो मिडिल पार्ट होता है और एब्डोमेन जो होता है वो इनका टमी यानी पेट होता है ओके नाउ वी हैव दे हैव थ्री पैर ऑफ लेग्स उनके पास यूजुअली तीन पैर होते हैं ठीक है आप इस पिक्चर में आप लेग्स देख भी सकते हो ठीक है थ्री पैर ऑफ लेग्स पैर यानी जोड़े यानी दो दो पैर तीन तो इज इक्वल टू सिक्स राइट दे हैव थ्री पैर ऑफ लेग्स एंड मैनी इंसेक्ट्स हैव टू पैर ऑफ विंग्स और कुछ कुछ इंसेक्ट्स के पास विंग्स भी होते हैं यू कैन सी दीज विंग्स राइट दीज वाइट विंग्स यानी जो पंख होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ते हैं ओके एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव एंटीना एंटीना आर लाइक फीलर्स और डिटेक्टर्स अटैच टू द इंसेक्ट्स हेड स्पाइडर हैव फोर पेयर ऑफ लेग्स एंड आर आर्किनाइड्स नॉट इंसेक्ट्स अब ये जो इंसेक्ट्स के सर के ऊपर एक ऐसी आउटग्रोथ सी होती है एक ऐसा डंडा सा बना हुआ होता है राइट दिस इज कॉल्ड एंटीना
राइट एंटीना फीलर्स होते हैं या डिटेक्टर्स होते हैं, दैट मींस कि एंटीना से वो फील करते हैं या चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, राइट. लाइक फॉर ह्यूमन बींग्स वी फील एंड डिटेक्ट बाय आर नोज एंड स्किन एंड आर हैंड्स एंड आईज एंड ईयर्स, राइट. बट हाँ, तो ये जो एंटीना होता है ये डिटेक्टर्स होते हैं और इससे ये फील करते हैं चीज़ों को, राइट. अब इनके पास नोज़ नहीं होती तो हो सकता है ये एंटीना से स्मेल को डिटेक्ट करें, ये एंटीना से टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं कि मौसम कैसा हो रहा है, एंटीना से ये वेदर को डिटेक्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें. ओके. और यही एंटीना अटैच्ड होते हैं इंसेक्ट के सर के साथ. ओके. आपने देखे होंगे बटरफ्लाइज़ के पास भी होते हैं और बीटल्स के पास भी होते हैं, कॉकरोचेस के पास इतने बड़े बड़े एंटीना होते हैं, दोज टू मूछ की तरह जो होता है, राइट. अच्छा, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें से जो स्पाइडर होता है ये इंसेक्ट नहीं होता, राइट. स्पाइडर जो है वो आर्किनाइड है. आर्किनाइड क्या होता है, ये एक एनिमल का एक दूसरा ग्रुप है, ठीक है. और स्पाइडर की कितनी टांगे होती हैं, 4, बट दीज आर नॉट इंसेक्ट्स. ओके. मोस्ट इंसेक्ट्स हैच फ्रॉम एग. इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो एग से निकल के आते हैं. ओके. इंसेक्ट्स कैन वॉक, मैनी कैन ऑल्सो फ्लाई. इंसेक्ट्स चल भी सकते हैं और बहुत सारे तो उड़ भी सकते हैं. एंड सम कैन इवन स्विम, और कुछ कुछ तो स्विमिंग भी कर सकते हैं. Now you tell me, आप क्या क्या कर सकते हो. You can fly, you can walk और you can swim. Okay? जब हम क्लास लेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी फिर. Most insects live alone. बहुत सारे insects होते हैं वो अकेले रहते हैं, but some, लेकिन कुछ insects जो होते हैं जैसे कि wasp होती है, bee होते हैं, ants होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये एक साथ रहते हैं, ठीक है. ये सारे क्या होते हैं, ये एक साथ एक ही घर पे रहते हैं बहुत सारे. एक आपने एंट्स को देखा है ना, राइट. एंट्स कैसे एक दूसरे के साथ, मतलब एक साथ उन्होंने लाइन बनाई होती है, जहाँ पे जाते हैं एक साथ जाते हैं. और घर पे उनका घर देखा होगा कहीं पे, कोई सुराख वगैरह किया होगा उन्होंने दीवारों में, तो आप वो देखते हो कि उसमें से कितने सारे एंट्स निकल के आते हैं. ओके. तो जो वैस्प होती है, बीज होते हैं और एंट्स जो होती हैं, ठीक है. वैस्प इज बेसिकली जिसको हमारी लैंग्वेज में परपरके कहते हैं, बीज जो हनी बी होती है, एंड एंट्स वो आप सब जानते हो, ठीक है, जो चुवेंटियाँ होती हैं. दे लिव इन ग्रुप्स और कॉलोनीज, वो ग्रुप में रहते हैं यानी सब एक साथ रहते हैं या कॉलोनी के शेप में रहते हैं. ओके. विच आर लार्ज ग्रुप्स दैट वर्क टुगेदर. कॉलोनीज क्या होते हैं, कॉलोनीज एक बड़े बड़े ग्रुप होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं, इनमें से सबके सब काम करते हैं. ओके. पीपल ऑफन थिंक ऑल इंसेक्ट्स आर पेस्ट्स. पेस्ट क्या होता है, पेस्ट होता है कि जब हम कहते हैं कि ये इंसेक्ट नहीं होने चाहिए, ये तो हमें ख़राब कर देते हैं, हमारा नुकसान करते हैं, हमें तंग करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है. दोज आर कॉल्ड पेस्ट. लोगों को लगता है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो पेस्ट हैं, ठीक है. बट इंसेक्ट्स कैन बी हेल्पफुल. लेकिन इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. कैसे, दे कैरी पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. जो पोलन्स होते हैं, फ्लावर के जो सीड्स होते हैं, ठीक है, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे लेके जाते हैं. इस तरह हमारे पास और भी फ्लावर्स आते हैं. अब आप देखो ये जो बी है इसके ऊपर ये येलो येलो कलर के ऐसे सीड्स लगे हुए हैं. ये जो सीड्स हैं ये माइक्रोस्कोपिक सीड्स हैं, छोटे छोटे से, ये फ्लावर्स के ऊपर होते हैं. तो ये बी जब जाती है ये अपने साथ ये सीड भी उठा लेती है, दूसरे फ्लावर पे जाती है तो ये उधर ऐसे गिरा देती है और फिर हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं. ओके. तो पोल ये इंसेक्ट्स जो होते हैं इनका क्या फ़ायदा है कि वो पोलन को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है. आप इस इमेज में बीज को देख सकते हो. पैराग्राफ नंबर 3, इट इज एंड आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर सम प्लांट्स एंड अदर इंसेक्ट्स और एनिमल्स. और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये खाना भी होते हैं. किस किस का, ये इंसेक्ट्स का और एनिमल्स का और प्लांट्स का खाना भी होते हैं. कैसे, अभी दिखाते हैं. दिस इज अ प्लांट, दिस इज कॉल्ड पिचर प्लांट, राइट. और आप देखें तो ये इस मक्खी को खा रहा है, राइट. और ये धीरे धीरे ऐसे बंद हो जाएगा और ये मक्खी अंदर बंद हो जाएगी, द प्लांट विल ईट दैट. ओके.
एंड बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट्स को खाते हैं. ओके तो देखा ना इंसेक्ट्स कितने हेल्पफुल हैं, वो फूड होते हैं. ठीक है, दिस इज पैराग्राफ नंबर 4. सम इंसेक्ट्स हैव लवली कलर्स. ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत प्यारे कलर्स होते हैं उनके. अदर्स सच एज मॉथ्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय हैविंग द सेम कलर्स एज एनवायरनमेंट. बाकी जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि मॉथ है, राइट, तो मॉथ होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं खुद को, ये जिस जिस जगह पे होते हैं ना ये बिल्कुल खुद को वैसे ही कलर का कर लेते हैं. ठीक है, तो वो बच जाते हैं हमला करने से. आप इस पिक्चर में देखिए, दिस इज़ वन मॉथ. इसको लकड़ी पे रखा तो इसने बिल्कुल लकड़ी जैसा कलर ले लिया, फिर इसको डार्क शेड में रखा तो इसने डार्क कलर ले लिया. ऐसे करने से क्या होता है कि दूसरे एनिमल्स को या दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ये नज़र नहीं आते फिर. ठीक है, तो इस तरह ये खुद को बचाते हैं. तो इनका कोई कलर नहीं होता, ये किसी भी कलर में एडजस्ट हो जाते हैं, और इस चीज़ को कैमोफ्लॉज कहते हैं. कैमोफ्लाजेस कि जब आप एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर बदल दो. ठीक है, सो इट कीप चेंजेस कलर. अदरवाइज अदर इंसेक्ट्स हैव डिफरेंट एंड प्रीटीएस्ट कलर्स, राइट. दिस इज अ टाइप ऑफ कैमोफ्लॉज एंड इट हेल्प्स टू अवॉइड द डेंजर. जो हमने मौत के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि ये कलर चेंज करते हैं, तो ये एक कैमोफ्लॉज है. ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये डेंजर में नहीं होते, किसी को पता ही नहीं चलता वो वहाँ पे है. ठीक है, अगर हम इनको लीव्स पे रखेंगे तो इनका कलर बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, तो बस फिर भी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ पे है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ. सम इंसेक्ट्स हैव लव सॉरी दिस इज द इंसेक्ट फैक्ट्स. अब हम सारा कम्प्रिहेंशन कवर कर चुके हैं, अब हम इंसेक्ट्स के बारे में मज़े मज़े की चीज़ें पढ़ेंगे. ओके, लेडी बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज आर कलरफुल. जो हमारे पास लेडी बर्ड्स होती हैं और बटरफ्लाईज होते हैं, ये कलरफुल इंसेक्ट्स हैं. जैसे हमने मॉथ्स का पढ़ा तो वो कलरफुल नहीं होते, वो खुद को बस कलर चेंज करते रहते हैं. लेकिन जो बटरफ्लाईज और बीटल्स होते हैं, बीटल्स ये बीटल्स हैं, राइट, एंड द अबव आर बटरफ्लाईज. आई नो यू नो देम. तो दे हैव सम लवली कलर्स, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स में आते हैं, डिफरेंट कलर्स में आते हैं. ओके, ड्रैगन फ्लाइज आर कलरफुल इंसेक्ट्स दैट आर फाउंड इन और नियर वाटर ड्यूरिंग समर. अब हम ड्रैगन फ्लाई को देखेंगे. दिस इज अ ड्रैगन फ्लाई. ओके, और ये बहुत कलरफुल आते हैं, बहुत सारे कलर्स में आते हैं ये, और ये ज़्यादातर हमें कहाँ पर मिलते हैं, पानी के साथ. या तो ये पानी के ऊपर होते हैं या ये पानी के आसपास ही होते हैं. और कौन से मौसम में, समर्स में. पॉइंट नंबर 3, बीज एंड वैस्प लुक क्वाइट अलाइक बट ओनली बीज कलेक्ट पोलन टू मेक हनी. बीज लिव इन बी हाइव्स एंड हैव अ क्वीन एज देयर लीडर. बीज और वैस्प जो होते हैं ये एक जैसे दिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक जैसे होते नहीं है. कैसे एक जैसे नहीं होते, बीज जो होती हैं वो पोलन कलेक्ट करती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स से, ताकि वो क्या बना सके, हनी, यस दैट स्वीट हनी. और बीज जो होती हैं वो बी हाइव्स में रहते हैं, ठीक है, बी हाइव्स, डू यू नो बी हाइव्स, हियर वी हैव अ बी हाइव, यस यू कैन सी दे आर लिविंग इन कॉलोनी, ग्रुप में रह रहे हैं ना, और इनका एक बी हाइव है, ठीक है, और ये बी हाइव में रहती हैं, ये हनी बनाती हैं, ये पोलन कलेक्ट करती हैं, और जो वो होता है वैस्प वो कुछ नहीं करता ऐसे, ठीक है. और बीज की एक क्वीन भी होती है, क्वीन होती है, बड़ी बी होती है, बहुत बड़ी, और वो अंदर छुप के बैठी होती है, और ये जो सारे बाहर होते हैं ये काम करते हैं, उसको फिर वर्कर बी कहते हैं. ओके, कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4, एंट्स लिव इन कॉलोनीज. एंट्स जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, वो भी कॉलोनीज फॉर्म में रहते हैं. ओके, एक साथ रहते हैं, बहुत सारे एंट्स एक साथ रहते हैं. दे ऑफन मूव अराउंड इन लार्ज ग्रुप्स. और अगर वो कहीं जाते भी हैं, वो मूव भी करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, लार्ज ग्रुप्स की शक्ल में. अकेली कोई एंट बाहर नहीं जाती, ठीक है, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके ताया, उसके चाचू सब उसके साथ होते हैं, ठीक है. एंड कैन अपीयर थ्रू क्रैक्स इन पाथ्स और वॉल्स. और ये कहाँ पे हमें दिखने को मिलते हैं,
जो हमारी दीवारों में जो क्रैक्स पड़ जाते हैं, या जो ज़मीन में अक्सर कोई गड्ढा होता है, या जो खाली जगह किसी भी बिल्डिंग में होती है, ये उधर होते हैं, बहुत सारे होते हैं। आई नो यू हैव सीन देम। पॉइंट नंबर 4-5 इट इज़, मॉथ्स आर सिमिलर टू बटरफ्लाइज बट दे आर नॉक्चर्नल इंसेक्ट्स। मॉथ्स जो होते हैं ये बिल्कुल बटरफ्लाइज के जैसे होते हैं, ठीक है, बट दे आर नॉक्चर्नल इंसेक्ट्स। नॉक्चर्नल क्या होते हैं? नॉक्टर्नल यानी जो रात को इंसेक्ट्स एक्टिव हो, ठीक है, यानी जो मॉथ्स आते हैं ये किस टाइम आते हैं? ये रात को होते हैं। और बटरफ्लाइज कब होती है? दिन में। विच मीन्स दे कम आउट एट नाइट। इसका मतलब है कि वो रात को बाहर आते हैं। दे आर डल कलर्स प्रोटेक्ट देम। उनके जो कलर्स होते हैं वो बिल्कुल डल होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें। बिकॉज दे आर वेल कैमोफ्लॉज्ड, क्योंकि वो अपना कलर इन्वायरमेंट के हिसाब से बिल्कुल चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनके कलर्स उनको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। मॉथ्स आर अट्रैक्टेड टू लाइट्स। मॉथ्स जो होते हैं इनको लाइट बहुत पसंद होती है, और जहाँ पे लाइट देखी ये आ जाते हैं, ठीक है। एंड कैन बी अनोइंग व्हेन दे फ्लाई अराउंड द लाइट बल्ब्स इन आर होम्स। आपने गर्मी में देखा होगा ना, ऐसे जो लाइट बल्ब ऑन होता है जो कोई भी, और बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और लाइट बल्ब के आसपास उड़ते रहते हैं, ओके तो ये हमें तंग भी करते हैं। अनोइंग मीन्स डिस्टर्बिंग, ठीक है, वो डिस्टर्ब भी करते हैं हमें। व्हेन दे फ्लाई अराउंड द लाइट बल्ब्स, जब वो रात को हमारे लाइट बल्ब्स के आसपास आके उड़ते हैं, ठीक है। दिस इज लास्ट पॉइंट। फ्लाइज सच एज ब्लू बॉटल्स आर ऑल्सो वेलकम्ड इन आर होम्स बिकॉज दे लैंड ऑन फूड। फ्लाइज जो होती हैं, फ्लाइज मक्खियाँ, तो वो जो होती हैं इनमें एक स्पेसिफिकली ये ब्लू बॉटल किस्म की एक मक्खी होती है बहुत बड़ी, आई नो यू हैव सीन दैट, जो ग्रीन कलर की आती है, ठीक है। ये जो होती हैं ये भी हमें बहुत तंग करती हैं, इनसे भी हम बहुत परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे खाने पे बैठती हैं और हर एक गंदी चीज़ पे बैठती हैं, ठीक है, इसीलिए जिस भी खाने की चीज़ पे मक्खी बैठ जाए उसको नहीं खाना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंसेक्ट्स, राइट। एंड नाउ आई गिव यू एन एक्टिविटी कि आपने क्या करना है, आप जाएं और आपके घर में जितने भी इंसेक्ट्स आपको नज़र आते हैं, चाहे वो कॉकरोच है, एंट्स है, फ्लाइज है, मॉथ्स है, वैस्प है, ड्रैगन फ्लाई है, कोई कुछ और अगर हो तो जैसे ग्रास होपर जो होता है, और बहुत सारे इंसेक्ट्स, आप लिस्ट बनाएं कि आपके घर में कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, उनका कलर क्या है, ठीक है, और वो कहाँ पे मिलते हैं, ओके। और ये सब आपने इंग्लिश में करना है, ओके किड्स, इट्स मीनिंग टाइम्स, राइट। और अभी आपने मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग मैं आपको करवा रही हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ पे इसमें क्वेश्चन मार्क है ये आपकी एक्टिविटी है कि आपने इनको खुद फाइंड करके इनका मीनिंग आपने खुद लिखना है, ठीक है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ होमवर्क, ओके। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स। इट इज़ अ काइंड रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स कि अगर आपका बच्चा लेसन ले रहा है और उसको मीनिंग्स में से किसी वर्ड की या किसी भी राइटिंग की समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ हेल्प देम एंड पे अटेंशन, ओके। आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीड द मीनिंग्स, ओके। इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, पेयर्स यानी जोड़े होते हैं, टू सेम थिंग्स, जैसे आपके शूज़ होते हैं और शूज़ का एक पैर होता है, दो होते हैं, दो एक जैसे होते हैं, राइट। ईयरिंग्स होते हैं, ईयरिंग भी पेयर्स में होते हैं, राइट। डिटेक्टर्स यानी सेंसर्स, इनके ज़रिए हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं और हम चीज़ों को जान सकते हैं, ठीक है। अर्कनाइड्स, अर्कनाइड्स आर क्लास, इट इज़ अ क्लास ऑफ एनिमल, एनिमल्स का ये एक स्पेसिफिक क्लास है, ग्रुप है, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप बड़े हो जाएंगे और साइंस पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए दिस इज़ अ क्लास ऑफ एनिमल्स। सेक्शंस, इसका मीनिंग आप खुद ढूंढेंगे। थॉरेक्स इज द चेस्ट रीजन, जो सीने सीना होता है, ठीक है। एब्डोमिन, इसका मीनिंग भी आप खुद ढूंढेंगे। अटैच्ड यानी कनेक्टेड। कॉलोनीज, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो लोग होते हैं एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, उसको कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, इसका मीनिंग भी आप खुद ढूंढोगे। कैमोफ्लाज, चेंजिंग कलर फॉर डिसगाइज, लोगों को धोखा देने के लिए अपना कलर चेंज करना, ठीक है। नॉक्टर्नल, एक्टिव एट नाइट, वो इंसेक्ट्स जो कि रात को एक्टिव होते हैं, ठीक है। अनोइंग, इसका मतलब भी आप खुद ढूंढोगे। हैच,
हैच मीन्स जब एक छोटा बेबी जो होता है एनिमल्स का, जब वो एग से निकले, ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ यंग विद द हेल्प ऑफ एग. पेस्ट इरिटेंट, जो कीड़े मकोड़े हमें तंग करते हो, ठीक है. पोलन, माइक्रोस्कोपिक सीड, छोटे छोटे सीड होते हैं जो कि हम अपनी आईज से नहीं देख सकते, जिनको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं. एनवायरमेंट यानी सराउंडिंग, जो माहौल होता है. एंड हाइव्स, बी हाउस, छत्ता जो होता है मक्खियों का, उसको हाइव कहते हैं. राइट, दिस वॉज ऑल. अब मैं आपको यहाँ पे दो और एक्टिविटीज दे रही हूँ, बिकॉज दिस लेसन विल गो फॉर योर वीक. फर्स्ट मैंने आपको एक्टिविटी दे दी है कि आपने जितने भी आपके घर के कीड़े मकोड़े हैं उन सब की लिस्ट बनाएं, और आप ये लिखें कि वो आपको कहाँ पे मिलते हैं और उनके कलर्स क्या होते हैं. सेकेंड एक्टिविटीज़, आपने कुछ मीनिंग खुद फाइंड करने हैं, ठीक है. एंड योर थर्ड एक्टिविटी इज़ कि आपने जो ये वर्ड मीनिंग्स हैं, इनमें से आपने 10 याद करने हैं, ठीक है, विद द स्पेलिंग्स. राइट, तो इसमें फिर आपकी डिक्टेशन भी हो सकती है और टेस्ट भी होगा. तो लर्न एनी 10 वर्ड मीनिंग्स, ओके. एंड योर फोर्थ एक्टिविटी इज़ के आपने अपनी बॉडी के सेंसर्स और डिटेक्टर्स की लिस्ट बनानी है कि आप चीज़ों का पता कैसे लगाते हो अपनी बॉडी से, ठीक है. यानी फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि आपको कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ सॉफ्ट है या हार्ड है, ठीक है, उसको हाथ लगा के, ठीक है. इसी तरह आप किस चीज़ से देख सकते हो, किस चीज़ से आप सुन सकते हो, एंड आप किस चीज़ से देख सकते हो, सुन सकते हो, आप किस चीज़ से स्मेल कर सकते हो. इन तीनों डिटेक्टर्स के नाम मुझे चाहिए, ओके. एंड दिस इज़ इनफ फॉर द वीक, एंड आई एम गोइंग टू एंड द लेसन नाउ. अल्लाह हाफिज एवरी वन, स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड एंड वॉश योर हैंड्स. अल्लाह हाफिज़.